नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट यानी उत्पादन का तुल्य विवरण पत्र। इक्विवेलेंट यानी आपको जब प्रोसेस के अंतर्गत आप कार्य करते हैं तो एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका जो कंप्लीट मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, लेकिन जब आप एक प्रोसेस में इनपुट करेंगे तो पूरा कंप्लीट आउटपुट आपका नहीं आता है, कुछ मटेरियल आपका अंडर प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं WIP वर्क इन प्रोग्रेस। और आपको जो कंप्लीट माल है उसको ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, तो इसके साथ आपको ये कैलकुलेशन करना होता है कि जो प्रोसेस में है उस पर कितना परसेंटेज आपका एक्सपेंडिचर हो चुका है, खर्चा हो चुका है, तो इसका मूल्यांकन आपको करना होता है। और इसका मूल्यांकन करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट, और आज हम इसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और साथ साथ नोट जरूर करें, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। प्रक्रिया लागत लेखांकन में तुल्य उत्पादन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रक्रिया लागत लेखांकन में निरंतर प्रक्रिया के कारण अर्ध निर्मित माल का होना स्वाभाविक है, यानी प्रक्रिया जब चल रही है तो निरंतर प्रक्रिया जब चलती है तो कुछ माल है वो WIP की स्टेज पर होता है। अर्ध निर्मित माल का मूल्यांकन करने से पूर्व सर्वप्रथम ये ज्ञात करना आवश्यक होता है कि अर्ध निर्मित माल उस अवस्था तक कितना प्रतिशत पूर्ण हो गया है, यानी कंप्लीशन परसेंटेज उसका कितना है, आपका मटेरियल उस पर कितना परसेंट हो गया है और लेबर और ओवरहेड का परसेंटेज कितना हो गया है, ये हम उस पर चेक करते हैं। इस बात को ज्ञात करने के बाद अर्ध निर्मित इकाइयों को पूर्णता स्तर के आधार पर निर्मित इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है, और जिस हेतु तुल्य उत्पादन विवरण पत्र स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाया जाता है। तुल्य उत्पादन पत्र से तुल्य पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात की जाती है और उसके पश्चात लागत विवरण पत्र स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में लागत के विवरण पत्र से प्रति इकाई लागत मूल्य के जो विभिन्न तत्व हैं, जैसे सामग्री है, श्रम व ऊपरी व्यय के आधार पर इसकी लागत ज्ञात की जाती है। लागत के विभिन्न तत्वों के प्रति इकाई लागत मूल्य को जोड़कर पूर्ण प्रति इकाई लागत मूल्य ज्ञात किया जाता है। लागत के जो विभिन्न तत्व है तत्वों के प्रति इकाई लागत मूल्य को जोड़कर पूर्ण प्रति इकाई लागत मूल्य ज्ञात किया जाता है। लागत के विवरण की सहायता से अर्ध निर्मित माल का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए, ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान से इसको समझना है और उसको देखना है। ये आपका है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपको तैयार करना है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। इसमें आप कॉलम चेक कीजिए, सबसे पहले कॉलम होगा पर्टिकुलर का, जिसमें आपको विवरण देना है कि आपने कितनी इकाई इसमें डाली है। नेक्स्ट आता है यूनिट, और फिर आता है तीन कॉलम आप तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने दो किए तो आप तीन कॉलम इसके तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा आपका मटेरियल, ये आपका मटेरियल आ गया,
मटेरियल के कॉलम होंगे दो, एक होगा कंप्लीशन यानी कितने परसेंट हो गया और एक होगा यूनिट का, और इसी प्रकार लेबर का भी एक होगा कंप्लीशन का, एक होगा यूनिट का, और ओवरहेड का भी एक होगा कंप्लीशन का, एक होगा यूनिट का, लेकिन मैंने दोनों को साथ कर दिया है। अब हम देखिए, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फॉर्मेट है। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर यूनिट का, फिर आता है मटेरियल का परसेंटेज कितना वो कंप्लीट हो गया है और उसकी यूनिट कितनी आएंगी, इसी प्रकार लेबर का, कंप्लीशन का और यूनिट का, और फिर आएगा ओवरहेड का, कंप्लीशन का और यूनिट का। अब बात करते हैं कि इनपुट, कि आपने कितना परसेंटेज इनपुट किया, उसमें से आपकी कितनी इकाई कंप्लीट है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ यूनिट लिखनी है। ये लिखने के बाद जो कंप्लीट है ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस है, उसके यहाँ पर कितना आएगा, कंप्लीशन मटेरियल कितना आएगा 100%, नंबर ऑफ यूनिट जितनी आपने ट्रांसफ़र कर दी उतनी यूनिट की संख्या आ जाएगी, इसी हिसाब से लेबर, लेबर भी आपने 100% चार्ज कर लिया है, नंबर ऑफ यूनिट भी सेम टू सेम आएगी, और फिर ओवरहेड की भी आपको नंबर ऑफ यूनिट सेम टू सेम यहाँ आ जाएगी, जितना परसेंट आपने मटेरियल चार्ज कर लिया 100%, लेबर चार्ज कर लिया 100% और ओवरहेड भी 100% आपने चार्ज कर लिया है। ये बात होगी ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस की। अब हम बातचीत करेंगे अनकम्प्लीटेड यूनिट की, कि आपने इनपुट कितना किया था, इसमें से ट्रांसफ़र कितना कर दिया, उस इनपुट में से ट्रांसफ़र करने के बाद जो शेष इकाई रहेगी उसको बोलेंगे अनकम्प्लीटेड। यानी 1000 में से आपने 800 इकाई ट्रांसफ़र कर दी है, तो रिमेनिंग 200 इकाई है वो अंडर प्रोसेस है। अब 200 इकाई में आपने मटेरियल कितना परसेंट चार्ज कर लिया है, तो मटेरियल का परसेंटेज आपको लिखना है और उसी हिसाब से आपकी यूनिट आएगी। जैसे 80% मटेरियल आपने लगा दिया तो 200 का 80% होता है 160, तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी आएगी 160। लेबर भी आपने 50% चार्ज कर लिया है तो यूनिट कितनी आएगी 100, और ओवरहेड भी चार्ज कर लिया है 50% तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी आएगी 100। तो इस प्रकार से हम अनकम्प्लीटेड यूनिट का नंबर निकालेंगे और फिर इसका टोटल कर देंगे, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ यूनिट अलग आएंगी, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पर अलग आएंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट आपकी अलग आएंगे। इसी के आधार पर एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आपको कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, कॉस्ट यूनिट, प्रति यूनिट के हिसाब से कॉस्ट की वैल्यू करनी है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपको पता ही है, मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। ये सब का अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है कि मटेरियल कितना का अमाउंट कितना है, लेबर का कितना है और ओवरहेड का कितना है। ये करने के बाद जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपने तैयार किया था उसका प्रोडक्शन यहाँ पर आएगा, मटेरियल का कॉलम का प्रोडक्शन यहाँ पर आएगा, लेबर का कॉलम का प्रोडक्शन यहाँ पर आएगा और ओवरहेड का यहाँ पर आएगा। ये आने के बाद जो ये अमाउंट है आपका, इस अमाउंट में इसका भाग देंगे तो यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ पर आएगी। ये आपको करना है। ये करने के बाद जो फाइनल होगा वो आपका होगा वैल्यूएशन ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। सेम टू सेम यहाँ पर आपका मटेरियल आ जाएगा, यहाँ पर आपका लेबर आ जाएगा, यहाँ पर आपकी ओवरहेड आ जाएगी, और यहाँ पर आपको उसको नंबर ऑफ यूनिट लिखनी है WIP की कितनी है, और उसको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा किसका,
इसका आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, और उसी के आधार पर आप जो टोटल आपका कितना अमाउंट मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का चार्ज हुआ, उसमें से आप WIP का अमाउंट लेस कर दीजिए और बाकी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर दीजिए नेक्स्ट प्रोसेस। तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट कॉस्ट स्टेटमेंट है वो तैयार करते हैं। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सुना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों का इसका फ़ायदा हो सके। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचाव करें। धन्यवाद।